जीता। सबसे पहले सभी भाइयों का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मोहम्मद ताहिर हुसैन, जिला सचिव सुभाषचंद्र पाटिल लोनी से, आपके चैनल को बधाई, खान साहब आपको बधाई, आपकी टीम को बधाई, और सबसे पहले ईद मुबारक सभी देशवासियों को। अभी आपने कहा प्रोटोकॉल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, जैसे आज ईद का दिन है, हम लोगों ने घरों में नमाज़ पढ़ी है और मोहल्ले वास हमारे जो माहौल है यहाँ का बना हुआ, माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। प्रशासन को कोई शिकायत नहीं दी है, घरों में नमाज ईद की हमने अदा करी है, और हमारे जो यहाँ के जो कॉलोनी वासी हैं वो अपने ज़रूरी कामों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर हम इस बीमारी को घर तक ले आएंगे तो माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसी मारे अपने अपने घरों में रहे हैं, सेफ रहे हैं, और इंशाल्लाह हम इस कोरोना बीमारी को हराएंगे, हर हाल में हराएंगे। कोरोना से जंग जीतने में कामयाबी हासिल होगी, कामयाबी हासिल इंशाल्लाह जरूर होगी। और देखते हैं इंशाल्लाह। देखो ये जो आपने कहा ठेके वाली बात जी, कि ठेके बोले सरकार ने जी, इस मामले में मैंने कल भी बात करी थी जी, मगर मैं ये बात मैं मेरे तरफ और पे आई है जी, ठेके जरूरी नहीं थे। मैं ये कभी योगी सरकार से कहना चाहता हूँ, ठेके जरूरी नहीं थे। जो हमारे देश में जो हाल हमारे भारत में जो हाल चल रहा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, खानों को घरों में नहीं है, इन चीज़ों पर ना ध्यान देंगे ठेकों पे, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान। ठेके इसलिए बोले हैं आपने कि आपकी इनकम पे फर्क पड़ेगा भाई, ठेकों से क्या फायदा हो रहा है, कमाई का स्रोत पड़ेगा। आपने जो सोचा है वो जनता के बीच में सोच नहीं आ रही सही है आपकी। दूसरी बात, ठेकों पर लाइन लगती है, आप रोडों पे कोई फालतू आदमी खड़ा रहता है, आप उसे घर में जाने के लिए देते हैं, ठेकों पर लाइन लगती है। इसके मामले में मैं कहना चाहता हूँ योगी सरकार से कि ये ठेकों पर जो लाइन लग रही है, इस चीज़ को सरकार ने बिल्कुल भी सही नहीं किया है। मतलब कोरोना के समय में शराब के ठेके नहीं खोलने चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि एक तरफ कोरोना चल रहा है, दूसरी तरफ ये काम करके ये अच्छा लग रहा है, बताइए आप भी बताइए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये मेरी राय है। हाँ, जहाँ खाने के लिए रोटी और बच्चों के लिए जो दूध और बच्चे जो जरूरी सामान के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पर खुलेआम जो है शराब बेची जा रही है और लंबी लंबी लाइनें लगाकर बेची जा रही है, ये चीज जरूरी नहीं थी। सरकार को हमें योगी सरकार जी को भाई उन लोगों के घरों में राशन पहुंचाना चाहिए जो घरों में इस टाइम लॉकडाउन में जो परेशानी हालात में, ये बस मैं यही कहना चाहूँगा योगी सरकार से कि ये जो गरीब जो अपराध देश जूझ रहा है इसको दूर करें, ना कि इस चीज़ों पर ध्यान दें। देशवासियों को बधाई मेरी तरफ से, मेरी पूरी समाजवादी टीम की तरफ से, खुश रहें, सबको दुआएं।